गुड इवनिंग स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू भूषण साइंस क्लासेस इज मोर देन जस्ट अ क्लास हम बोलते हैं नहीं है बेटा कि हम सिर्फ जस्ट अ क्लास हैं लाइक मोर देन जस्ट अ क्लास है बट वी आर एक्चुअली मोर देन जस्ट अ क्लास क्योंकि क्लासेस में पूरे सिलेबस पढ़ेंगे पढ़ाता कितना है इतना और हम पढ़ते इतना कंफ्यूज हो जाते हमारा स्लोगन ही बिल्कुल ये स्ट्रेट करता है कि पढ़ेंगे उतना जरूरी जितना और उस कॉन्सेप्ट को हम अभी भी फॉलो कर रहे हैं कुछ दिनों में आपके एग्जाम्स है और सिलेबस हमारे पास पाइल लव होकर रखे हुए हैं हमको पूरी चीज़ें पढ़नी है राइट right? तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वे हम लोग क्या करेंगे हेलो महक हेलो महक सोनी राइट right? सो so, बिना टाइम वेस्ट करते हुए वे हम क्या करते हैं हमेशा क्वेश्चंस पे जाते हैं क्वेश्चंस की स्टडी करते हैं क्वेश्चंस से रिलेटेड टॉपिक्स की स्टडी करते हैं हम एक तरह से क्या कर रहे हैं हम अल्टीमेटली अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए अपने आने वाले वॉर के लिए फाइट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं सो so, मैं हूं आपकी वानी ठाकुर मैम जो आपको बायोलॉजी पढ़ाती हैं मैं अगेन आई हूं आपके पास पंजाब के पीवाईक्यू सेशन लेकर ये क्वेश्चंस 2018 से लेकर 2020 तक जो भी पूछे हुए हैं वो सारे बायोलॉजी के क्वेश्चन लाकर मैं आपके सामने रखती हूं ताकि हम उसको डिस्कस करें और क्या करें आगे के स्टेप्स में स्टेपिंग करते रहें राइट सो डोंट फॉरगेट दिस इज टू थाउजेंड एटीन टू ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री पी वाई क्यू सेशन क्लियर स्लोगन हमारा क्या है भैया पढ़ेंगे उतना जरूरी जितना अब ये सिर्फ मैं ही पकड़ के के नहीं बैठी हूं। हमारे पास जितने टीचर्स हैं वो सारे यही साथ आपको स्टडी करा रहे हैं चाहे वो फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो बायोलॉजी हो और क्या हो आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड अब देखो बेटा एक चीज याद रखना मैं स्टार्टिंग क्लास में भी यही कहती थी और अभी भी यही कह रही हूँ बायोलॉजी आपका बहुत बड़ा एक सेक्शन कवर करता है आपके एग्जाम का तो बायोलॉजी के जितने कॉन्सेप्ट है उसको आप क्लियर रखो क्यों देखो बिल्कुल हार्ट टू हार्ट टॉक है ना बायोलॉजी में क्या होता है अगर आपको एक बार वो चीज याद हो गई एक बार उससे रिलेटेड चीजें पता चल गई तो आप ऐसे आंसर लिख सकते हो पर अगर केमिस्ट्री गुड इवनिंग मधु गुड इवनिंग पर उसी जगह हम किसकी बात करते हैं अगर हम बात करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री की उसमें हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ता है टाइम रहता है और आपको पता है टाइम डिफर करते हैं हर स्टेट के क्वेश्चन नंबर्स भी डिफर करते हैं अलग अलग स्टेट के अलग अलग के हिसाब से

ठीक है इससे क्या होगा इससे आपकी ही मदद होगी क्योंकि हमने क्या किया अपने नंबर्स को ऐसे बचा के रख लिए बायो के अब हम केमिस्ट्री के नंबर के और फिज़िक्स के नंबर इस तरीके से हम टाइम मैनेज करके हमारा एग्जाम कवर करते हैं इसीलिए पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है और बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट तो क्लियर करना ही है ठीक तो हमारे बायोलॉजी के हो चाहे फिजिक्स के हो चाहे केमिस्ट्री के हो इन सभी को कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए हमारे पास अलग अलग टीचर मौजूद हैं जो आपको हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दोनों में ही आपको क्लासेस कराते हैं फिजिक्स की अगर मैं बात करती हूँ तो कौन है भाई भरत सर है और कौन है रोहित सर उसी जगह अगर केमिस्ट्री की बात करती हूँ रेणुका मैम जिनकी क्लास अभी चल रही है आप लोग उनकी क्लास अटेंड कर रहे थे और दूसरी कौन है अभिनव सर जो मॉर्निंग में लेते हैं अभी मेरी क्लास ले रहे हैं आप बायोलॉजी की के and then जो आपकी की क्लास लेती है। जी हाँ बायोलॉजी का वेटेज ज्यादा होता है इसीलिए तो बोल रहे बायोलॉजी पढ़िए बहुत जरूरी है अब जिन बच्चों को हमारे कोर्स से रिलेटेड जानकारी चाहिए वो क्या कर सकते हैं इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं मैसेज कर सकते हैं लाइक टेलीग्राम कर सकते हैं व्हाट्सएप कर सकते हैं या डीएम कर सकते हैं हमारे किसी भी वीडियो में ठीक है सो आप लोग यस एंड सारी सर वेलकम बैक ठीक है चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपका कहां से डाउनलोड करना है भूषण साइंस प्लस तो आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है आपके जो क्लासेस थे थे बेटा डेमो डेमो के उसमें हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए पर सेशन खत्म हो गया अब इम्पोर्टेंट जो सब टॉपिक्स उनकी क्लासेस जो हम इंपॉर्टेंट नोट्स सिर्फ दे रहे हैं उसकी क्लासेस किस में हो रही है सिर्फ ऐप में हो रही है पी वाई क्यू लाइव हो रहा है यहाँ यूट्यूब में पर आपका क्या हो रहा है बेटा आपका नोट्स जो हम इंपोर्टेंट क्लासेस ले रहे हैं नमस्ते पम्मी हाँ नमस्ते पम्मी आई एम गुड एंड सॉरी सर ठीक है ये कहाँ अवेलेबल है आपके भूषण साइंस प्लस में सो डोंट फॉर गेट टू डाउनलोड भूषण साइंस प्लस और मैं तो ये कहूँगी कि आई थिंक आप लोगों को ये बाय करके देखना ही चाहिए क्योंकि आपको ये सारे कोर्सेज़ सिर्फ कितने में मिल रहे हैं बेटा ट्रिपल फाइव में मिल रहा और ट्रिपल फाइव में बहुत लाइक घाटे का डिल नहीं है आपको इसमें मॉडल टेस्ट पेपर्स मिल रहे हैं टेस्ट सीरीज मिल रही है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल रहे हैं है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही क्लासेज भी मिल रही है ठीक है और आपको क्या मिल रहा है हिंदी और इंग्लिश में लाइव क्लासेस मिल रही है यूपी के लिए भी आएगा भाई विपिन सर यूपी के लिए भी क्लासेस आएंगी ठीक है और रही बात क्लासेस के क्वेश्चंस की सारे क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट है पैसे नहीं है ठीक है भाई मोमोज मत खाओ कुछ दिन बहुत मोमोज तो खाते हो आप लोग चार पांच दिन मोमोज नहीं खाओगे तो क्या हो जाएगा मोमोज के पैसे बचाओ और क्या ठीक है चलिए अभी नेक्स्ट चलते हैं हमारे कोर्सेज कहाँ कहाँ अवेलेबल है ये तो मैंने बताना ही भूल गई आप लोग के चैट सेक्शन को देखकर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राजस्थान उत्तर प्रदेश बिहार हिमाचल उत्तराखंड पंजाब झारखंड हरियाणा महाराष्ट्र एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एम्स इन सभी की प्रिपरेशन हम करें और ये सभी के सभी आपको कहाँ से मिल रही है बेटा सिर्फ ट्रिपल फाइव में मिल रहा है मुझे ऐसा लगता है कि चार दिन हम मोमोज ना खाएं, चार दिन हम बाहर पेट्रोल ना जलाएं, तो वो दोनों पैसे मिला के तो दो खर्च हो जाते हैं हमारे राइट नमस्ते सो अब आगे चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही होगी मेरा मोटिव सिर्फ इतना है कि आप पढ़ाई करें पढ़ाई, करें। पढ़ाई करना बहुत जरूरी है एक बार आप करियर के स्टेप में पैर रखते हैं बेटा स्कूल से निकलने के बाद देखो स्कूल में ना सब चीज हरा हरा दिखता है कोई भी चीज हमको पीला नहीं दिखता जैसे स्कूल से बाहर निकलते रियल लाइफ जो होती है ना ऐसे हिट करती है और जब वो ऐसे हिट करती है ना तो सारे फ्लैशबैक याद आते हैं कि हमने क्या किया शायद उस समय मैंने पैसे बचा कर ये चीज़ कर ली होती तो आज मैं कहाँ होती ये सारी चीज़ें आती है मन में और ये चीज़ें आपके बस की बात नहीं है सबके आती है तो बड़े लोगों के पास बैठ कर सुनना क्यों बोलते हैं क्योंकि वो लोग अपने एक्सपीरियंसेस तुम्हारे साथ शेयर करते हैं जैसे हम कर रहे हैं ठीक है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है आप देखिए चलिए अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारा पहला क्वेश्चन आता है जिसमें लिखा है इन विच प्लांट मल्टीपल रूट कैप इज ऑब्जर्व इनमें से कौन से पौधे में मल्टीपल यानी एक से ज्यादा रूट कैप की प्रेजेंस होती है तो ऑप्शन आपके पास क्या है भैया देखिए फिशेज है पंडानस है पिस्टिया है लेमेना है तो इनमें से कौन सा है जिसमें मल्टीपल रूट कैप्स प्रेजेंट होती हैं आप लोग इंट्रोडक्शन सेक्शन ले रहे हैं क्या यहाँ पे यश आप कहाँ से हैं मधु आप कहाँ से हैं विपिन आप कहाँ से हैं? चलिए अच्छी बात है तो बताइए इसका आंसर क्या होगा इनमें से कौन से प्लांट में मल्टीपल रूट कैप्स प्रेजेंट होती हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट मल्टीपल रूट कैप्स आर सीन सी नो बेटा ये आंसर नहीं है दिस इज नॉट एन आंसर आल्सो नॉट एन आंसर जहां तक मुझे याद आ रहा है एक स्क्रू पाइन करके बोलते हैं देखिए मैंने आपको कॉमन नेम बता दिया अब आप साइंटिफिक नेम देखिए स्क्रू पाइन करके होते हैं क्या होते हैं स्क्रू पाइन पाइन की प्लांट प्रजाति है पाइन की प्रजाति होती है जिसके जो रूट्स होते हैं ना से ट्री नीचे और उनके रूट्स ऐसे मल्टीपल रूट्स होते हैं एक जगह पे और उनमें क्या होती है मल्टीपल रूट्स पाई जाती हैं स्क्रू पाइन को क्या बोलते हैं बेटा इनमें से बताइए हाँ बिल्कुल जानना चाहिए जानना तो बिल्कुल ही चाहिए ये स्क्रू पाइंस होती हैं आप लोग साइंटिफिक नेम बताइए तब तक मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा दे देती हूँ स्क्रू पाइंस क्या होती है बेटा ये बेसिकली आपकी पाइन की प्रजाति है जिसमें आपका ये क्या होता है मल्टीपल रूट कैप्स क्यों प्रेजेंट होते हैं ताकि ये रूट टिप को इंजर्ड होने से बचाए क्यों क्योंकि जैसे जैसे वो क्या करते हैं आपके अर्थ सॉइल के अंदर जाते हैं वैसे वैसे उनको क्या होता है रेजिस्टेंट फील होता है ठीक है घर्षण होता है बोलते हैं ना फ्रिक्शन होता है तो उससे बचाने के लिए क्या होता है मल्टीपल रूट कैप्स प्रेजेंट होते हैं और स्क्रू पाइन को हम इंग्लिश में लाइक साइंटिफिकली क्या कहते हैं हम लोग पंजानस कहते हैं ठीके? ठीक है ठीक सो आपका राइट आंसर क्या है पंजानसाइडियस ये आपका नेक्स्ट आंसर लाइक क्वेश्चन है द हार्मोन इन्वॉल्व इन सेल डिवीजन ऑफ प्लांट इज अब इनमें से कौन सा हार्मोन सेल डिवीजन में क्या होता है प्रेजेंट होता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग लाइक नहीं सॉरी हार्मोन विच इज इन्वॉल्व इन डिवीजन इज सेल डिवीजन में कौन सा आपका हार्मोन प्रेजेंट होता है यहाँ पे ना बेटा आपके दो आंसर हो सकते हैं ठीक है ठीके? एक आपका हो सकता है बी और एक आपका हो सकता है सी अगर यहाँ पे ऑप्शन होता बी एंड सी तो दोनों ही आंसर राइट होते ठीक है तो आई ए ए भी है और जेड ई एच यान जेटिन बी है अब आप पूछोगे मैम एक क्वेश्चन के दो आंसर कैसे और यहाँ पे राइट right आंसर कौन सा होगा राइट right? तो मैं आपको राइट right आंसर बता रही हूं यहाँ पे बेटा जो तो जैटीन है पहले जैटिन के बारे में बात करते हैं आप जानते हैं साइटोकाइनिन कर करके एक प्लांट हार्मोन होता है साइटोकाइनिन हार्मोन नॉर्मली करता क्या है सेल डिवीजन को प्रमोट करता है क्या करता है सेल डिवीजन को प्रमोट करता है इसी तरीके से जो जैटिन होता है वो नेचुरल तरह का किस तरह का नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन है जो क्या करता है सेल डिवीजन को प्रमोट करता है साथ ही साथ जो बुढ़ापा आता है ना प्लांट्स में ठीक है बुढ़ापा आता है ना 올드에지 उसको भी क्या करता है डिले करता है लेट करता है और जो डोरमेंसी पीरियड में चले जाते हैं उनको क्या करता है ब्रेक करता है उसी तरीके से मैं अगर बात करती हूँ आई ए की ये भी क्या है आपका ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन है डेवलपमेंट प्रोसेस में काम करता है जैसे सेल डिवीजन हो गया सेल की इलांगेशन हो गई यानी आपका जो सेल का डिफ्रेंसीशन टिश्यू डिफ्रेंशिएशन जिसको बोलते हैं यानी टिश्यूज़ में बदलाव लाना डिफ्रेंसीशन लाना एपिकल डोरमेंसी जो होती है उनसे उनको ला क्या करना उठाना या लेकर निकालना ठीक है ये सारे काम कौन करता है आई ए ए करता है पर इस क्वेश्चन का राइट right आंसर क्या है बेटा आई ए ए क्या है आई ए ए बट अगर आई ए ए प्रेजेंट नहीं है इन दैट केस क्या होगा आंसर आपका राइट right? राइटीन होगा क्लियर है okay. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं मुझे आज आंसर्स कम और बातें ज्यादा मिल रही है ठीक है चलिए यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं वेन द लीव बेस बिकम्स फॉलन एंड फॉर्म अक्शीन इट इज टम यानी क्वेश्चन बोल रहा है इट टर्म डेस अब क्या हो रहा है जब आपकी जो लीफ होती है ना पत्ती वो कैसे होती है फूल जाती है स्वॉलन हो जाती है फूल जाती है और क्या करती है भैया क्वेश्चन की तरह दिखने को लगती है क्वेश्चन जानते हो ना क्वेश्चन की तरह दिखने लगती है तो उसको हम क्या बोलते हैं इन दैट केस वट वी कॉल इट हेलो अनामिका गुड इवनिंग क्या बोलते हैं ट विल बी द आंसर हमने कहा ना हमें आज बात बहुत कम लग रही है हमको आंसर्स कम मिल रहे हैं और बातें ज्यादा हो रही यहाँ पे फिर से बोल रहे हैं एक ऐसा सिनेरियो जिसमें प्लांट जो होता है वो सूज जाता है यानी स्वेलन हो जाता है कुशन की तरह उसको हम क्या बोलते हैं क्या कहते हैं प्युलविनस क्या कहते हैं प्युलनस ये पिलविनस बोलते हैं इसको इसमें क्या होता है जो लीफ का जो बेस होता है यानी पत्ती का जो स्मॉल उसमें क्या होती है थोड़ी सी सूजन होने लगती है बेस के साइड में किसमें बेसिल साइड में हमको क्या देखने को मिलती है सूजन देखने को मिलती है जो क्या करती है आपका नॉर्मल uh, परफॉर्मेंस नहीं कर पाती और ये हमको मोस्टली किसमें देखने को मिलती है फैमिली में किस में देखने को मिलती है हमें नॉर्मली फेबियसी फैमिली में देखने को मिलती है सो यू हैव टू रिमेंबर द आंसर इज दिस और ये हमें देखने को कहा मिल रही है फेबियसी फैमिली में देखने को मिल रही है लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डू नॉट शो हाइड्रोफिलस पॉलिनेशन इनमें से कौन सा पौधा आपका पानी के थ्रू पॉलिनेशन की प्रोसेस पूरी नहीं करता तो कौन सा ऐसा फ्लावर प्लांट है या फ्लावर है बेटा जो पॉलिनेशन क्या कर रहा है वाटर के थ्रू नहीं कर रहा हाइड्रोफिलस मतलब क्या होगा पानी के माध्यम से ठीक है सो तो ऐसा कौन सा इसमें से प्लांट है जो प्लांट लाइक वाटर के थ्रू पॉलिनेशन की प्रोसेस पूरी नहीं कर रहा तो यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं वेली एरिया

डी इसको हम लोग जनरल शब्द में क्या बोलते हैं बेटा सनफ्लावर बोलते हैं ठीक है ये आपका वाटर के थ्रू पॉलीनेशन की प्रोसेस सो नहीं करता इसमें जो पॉलिनेशन होता है वो मोस्टली किसके थ्रू होती है इंसेक्ट्स के थ्रू होती है लाइक अगर मैं एकदम स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म बोलूँ तो बीज के थ्रू मधुमक्खी के थ्रू ठीक है वाटर पॉलीनेशन हमको किन में देखने को मिलता है रेस्ट इन तीनों में हमें वाटर पॉलिनेशन यानी कि आपका क्या बोल रहे हैं हाइड्रोफिलस पॉलिनेशन हमको देखने को मिल रहा है ठीक है आप लोग इसको बोलोगे ये कहाँ पाया जाता है तो आप लोग ने सुना होगा इल ग्लास सॉरी इल ग्रास करके एक होता है जो पानी के अंदर सबमर्ज होता है हाइड्रिला आप सब जानते हो वाटर थाइम होते हैं ठीक है और इनमें आपका ये एग्जाम्पल ले सकते हो हॉर्न करके बोलते हैं ना हॉर्न दैट इज दे आर दी एग्जाम्पल क्लियर लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्लूड मोजाइक मॉडल ऑफ सेल मेम्बरेन वॉज प्रपोज बाय अब हम लोगों ने जब सेल्स चैप्टर पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि जो प्लाज्मा मेमब्रेन है उसके बहुत सारे मॉडल्स दिए गए थे उनमें से एक क्या था फ्लूइड मोजाइक मॉडल था फ्लूइड मोजाइक समझते हो घर में हमारे राल कलर का so, होता है ना पत्थर जिसमें छोटे छोटे डॉट्स होते हैं है ना सो वो फ्लूड लाइक वही मोजाइक स्ट्रक्चर होता है मोजाइक टाइल्स बोलते हैं उसको तो उसी तरीके का फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया था दो साइंटिस्ट ने कौन से ईयर में बताइए कौन क्या नाम है वो साइंटिस्ट का हमने ये पढ़ा हुआ है इसलिए हम नहीं बता रहे थोड़ा सा और बता देते इस स्ट्रक्चर में उन्होंने क्या बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लैक्सिबल होता है आपका लिपो लाइक फॉस्फोलिपो प्रोटीन का बना हुआ होता है फॉस्फिड फॉस्फोलिपो और आ, प्रोटीन का मिलके बना होता है जिनमें आपके क्या होते हैं Uh, जो शुगर के या प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऊपर नीचे क्या होते हैं ऐसे स्कैटर्ड होते हैं कुछ इस तरह के बारे में पढ़ा हुआ था हमने फ्यूड मोजाइक मॉडल में राइट right? तो इसको किसने दिया था बी वेरी गुड हु इज शी सॉरी इज महक सोनी वेरी गुड द आंसर इज सिंगर एंड निकोलसन सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में किसमेंटीन में फुड मोजाइक मॉडल दिया था किसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लुइड मोजाइक मॉडल क्लियर है लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ओके विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिसीज ऑफ सिल्क वॉर्म इनमें से कौन सी बीमारी सिल्क वम में नहीं पाई जाती या नहीं हमको देखने को मिलती बताइए किसमें देखने को नहीं मिलती आंसर इज गुड वेरी गुड द आंसर इज डी दैट इज रेनिकेट डिसीज़ रेनिकेट डिसीज को हम लोग क्या बोलते हैं न्यू कैस्ट्रल डिस भी बोलते हैं क्या बोलते हैं ऑल्सो नॉन एज न्यू कैस्ट्रल डिसीज़ ठीक है ये प्राइमरीली आपको किसको अफेक्ट करता है इट इट प्राइमरीली इफेक्ट टू बर्ड किस में होता है ये बेटा हमको ये बर्ड्स में देखने को मिलता है प्राइमरीली इट इफेक्ट्स टू बर्ड या फिर जो पोलेट्री होती है ना यानी हैन एंड ऑल उन पे होती है ठीक है जो किसके कारण कॉज होती है वायरस के कारण कॉज ड्यू टू वायरस इसके अलावा ये जो तीनों डिसीज आपको देखने को मिल रही है दिस ऑल थ्री डिसीजेस आर रिलेटेड टू तो योर सिल्क वॉम तीनों ही डिसीज किस में देखने को मिलती है सिल्क वॉर्म में देखने को मिलती है जो क्या करती है अल्टीमेटेटली सिल्क वॉर्म की डेथ कॉज करती यानी एट दी एंड अगर ये ट्रीट नहीं किया गया तो क्या करते हैं ये सिल्क वॉम को मार देते डिसीज क्या करती है एट एंड दिल्क को मार देती है क्लियर है लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द सेल ऑर्गेनल इन विच हाइड्रोलिटिक से से सेल के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनिल में क्या है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं क्यू मोए हो गया यश ओके यू हैव रिटन मस्कार नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है नो वन इज बॉर्न जीनियस ठीक है अब बताइए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है इनमें से कौन से सेल ऑर्गेनिल है जिनमें हाइड्रोलिटिक इंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं अब हमने क्या पढ़ा था आपका एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम में दो चीजें बनती है लिपिड बनता है हाइड्रोलिटिक इन्जाइम्स जो हैं वो तो आगे प्रोसेस होते हैं ठीक है लिपिड बनता है कुछ तरह के प्रोटीन्स बनती हैं ठीक है ठीके? वो कहाँ जाती है आपकी किस में जाती है फिर गोल्जी बॉडी में गोल्जी बॉडी में वो मॉडिफाई होता है मॉडिफाई होता है और बड़े बड़े वैक्यूल्स के फॉर्म में निकलता है और वो वैक्यूल्स में क्या होता है एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं लाइजोजोम यानी सुसाइडल बैग ऑफ द सेल तो लो जो आपका लाइजोजोम है इनमें क्या होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजायम्स प्रेजेंट होते हैं वेरी गुड ठीक है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स इनमें प्रेजेंट होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं जैसे आपका कोई जो सेल है वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए ठीक है प्रोटीन जो है उसको ब्रेक डाउन करता है कार्बोहाइड्रेट है लिपिड है न्यूक्लिक एसिड है इन सभी को क्या करता है वो डाउन करने का काम करता है स्मॉल कॉम्पोनेंट में जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलेसिस की प्रोसेस या हाइड्रोलेसिस रिएक्शन ठीक ये प्रोसेस मदद करती है सेल के अंदर डाइजेशन करने में रिसाइकलिंग करने में ठीक है तो ये चीज आपको याद रखना है कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहाँ प्रेजेंट है लाइजोजोम में लाइजोजोम को हम क्या बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं इनमें क्या प्रेजेंट है हाइड्रोलिटिक एंजाइम जिनका काम क्या है यह हाइड्रोलेसिस की प्रोसेस करते हैं यानी हाइड्रोलेसिस का रिएक्शन करते हैं जिनमें प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट लिपिड न्यूक्लिक एसिड इनको ये ब्रेक डाउन करते हैं ठीक ये चीज आपको याद रखना है ओके सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हेलो राकेश पाल सर राखी पाल सॉरी राखी नेक्स्ट क्वेश्चन मैम ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द सोर्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हेंड थ्री इज अब इनमें से जो आपका एंडोन्यूक्लियस हेंड थ्री जो आता है वो हम कौन से ऑर्गेनिज्म से या कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर आते हैं ये पूछ रहा है ठीक है तो इसका डायरेक्टली आंसर हम आपको बता देते हैं इसका आंसर है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा क्या है इसका आंसर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ठीक है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो होते हैं ये क्या करते हैं रिस्ट्रिक्शन लाइक आपको जो है ना एंडो रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस हिंड थ्री टाइप टू की साइड प्रोवाइड करते हैं जिससे डी एसिड का जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो आइसोलेट किया जाता है क्या किया जाता है आइसोलेट किया जाता है ठीक है तो आपको याद रखना है इसका नाम एकदम रट लीजिए कि एंडो सॉरी रिस्ट्रिक्टेड एंडो हिंड थ्री कहाँ से पाया जाता है आपके हिमोफिलस इंफ्लुंजा से पाया जाता है जो कि टाइप टू का होता है जो स्पेसिफिक साइट प्रोवाइड करता है डी रिस्ट्रिक्टेड इंजाइम के लिए ठीक है चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हु प्रपोज द वन जीन एंड वन इंजायम हाइपोथीसिस इनमें से किसने प्रपोज किया था वन जीन वन इंजायम हाइपोथीसिस ठीक है तो ये इसका आंसर आप बताइए भाई जी राखी हिंदी में बेटा हि हिंदी में जो होता है ना उसकी क्लास अलग से होती है राखी आपकी अभी फाइव टू तो सिक्स अभी हिंदी की क्लास होगी ठीक है फाइव टू सिक्स दैन आपका सेवन टू एट पी वाई की होता है हिंदी में ये क्लास इंग्लिश की है देखिए टाइटल पे भी लिखा होगा ए वेरी गुड मधु दैट इज राइट आंसर इज ए बिजल एंड मोनाड बट बेटा इन सम केसेस ये आंसर जो वन जी इन वन हाइपोतीसिस के में आपका नाम चेंज कर सकता है क्या दे सकता है बिजिल एंड आपका दो साइंटिस्ट है यहां पे राइट right? तो ये आपको दे सकता है बिजल एंड चैटम करके भी आपका क्या दे सकता है नाम दे सकता है इन द बोथ केसेस आपका आंसर क्या होगा करेक्ट होगा क्योंकि बिजल एंड चैटम ने ही क्या किया था ये सिंगल जीन लाइक सॉरी क्या है वन जीन वन इंजायम को प्रपोज किया था इसके अकॉर्डिंग वो क्या कहते हैं कि जो एक जीन है है ना जो जीन का सीक्वेंस है वो सिर्फ एक ही एंजाइम प्रोड्यूस करता है और वही इंजायम बाद में चल के क्या करता है इंडिविजुअल स्टेप में मेटाबॉलिक पाथवे लाइक प्रोसीड करता है ठीक है मेटाबॉलिक पाथवे में वो प्रोसीड करता है ठीक है इतना याद रखिएगा वेरी गुड यश दैट इज एब्सोल्युटली राइट दैट्स व्हाई आई हैव रिटन ना बेटा ऑप्शंस कैन बी चेंज बिजल एन चैतन्य दे सकता है या तो आपको बिजल एन मोनार दे सकता है और ये दोनों ही आंसर क्या है दैट इज एब्सोल्युटली राइट क्लियर सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्रोमोजोम पफ्स आर सीन इन अब क्रोमोजोम के जो पफ्स होते हैं यू नो दैट बीड्स ऑफ द क्रोमोजोम जो आपके क्रोमोजोम में बीड्स प्रेजेंट होती है सो so, क्रोमोजोम के जो पफ्स हैं वो किस में हमें देखने को मिलते हैं क्रोमोजोम्स पफ्स आर सीन इन बताइए भाई क्रोमोजोम किस में देखने को मिलते हैं पॉलिथीन क्रोमोजोम लैम ब्रश क्रोमोजोम बी क्रोमोजोम एसेसरी क्रोमोजोम क्या होगा इसका आंसर वट विल बी द आंसर जस्ट गिव मी अकेंड आई जस्ट ग्रैप माई बॉटल ओके वॉटर बॉटल एंड देन आई बी

दैट दैट इज 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 राइट सो द आंसर योर ए जो क्रोमोजोम होते हैं जिनमें परफ क्रोमोजोम हमको देखने को मिलता है वो होते हैं पॉलिटिन क्रोमोजोम्स पॉलिटिन क्रोमोजोम्स की जगह आपका एक और आंसर आ सकता है जिसको हम बोलते हैं सोमेटिक क्रोमोजोम क्या बोलते हैं बेटा सोमैटिक क्रोमोजोम जो कि ड्रोसोफिलम में पाया जाता है ठीक है मैम काजल रोने <laughs> काजल ऐसा नहीं है मैं किसी से गुस्सा क्यों होंगी मेरा कोई पर्सनल वॉर थोड़ी ना किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं है इस जस्ट मैं पानी पीने गई थी ठीक है चलो तो हम कहाँ थे कि पॉलीटिन क्रोमोसोम्स कहाँ पाए जा लाइक सॉरी क्रोमोसोम जो पर्व होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं तो आपको याद रखना है पॉलिटिन क्रोमोसोम्स में पाए जाते हैं इनको हम क्या कहते हैं लाइक इसको एक और ऑप्शन आ सकता है दैट इज सोमेटिक क्रोमोसोम ऑफ ड्रोसोफीला क्या आता है Uh, sorry, of तो उनमें भी करेक्ट होंगे दोनों टिक कर लेना चलिए एक्ट एज एन एंटी बैक्टीरियल इनमें से कौन सा ऐसा कॉम्पोनेंट है जो जी सोमैटिक सेल फाउंड इन ड्रोसोफेलाइवा ओके यश सोमेटिक क्रोमोजोम्स चलिए कहा थे हम इनमें से कौन सा एंटीबैक्टीरियल कंपोनेंट सलाइवा यानी आपकी सलाइवा में पाया जाता है ठीक है कहा थे भैया हमको बताइए ना आंसर हम आपके कमेंट्स को ही रीड करते हैं और हंसते जा रहे बताओ भाई आंसर बताओ मेरे को थैंक यू सो मच चलिए लाइसोसोम जो मैं आंसर की बता रही हूँ चलिए आंसर मैंने बता ही दिया लाइजोजाइम जो है वो आपका ऐसा कंपोनेंट है जो आपके सलाइवा में पाया जाता है जो एंटीबैक्टीरियल क्वालिटी दिखाता है लाइजोजाइम करके है ठीक है इसका फंक्शन क्या होता है तो ये बेसिकली क्या करता है जो आपके बैक्टीरिया होते हैं उनके आसपास का जो वॉल होता है उसको ब्रेक डाउन करता है क्या करता है ब्रेक डाउन करता है एंड देन इफेक्टिवली क्या करता है उसमें फिर हमारा जो इम्यून है वो जाकर के उसको मार देता है ठीक तो एंटी बैक्टीरियल एक्शन शो करता है कौन आपका लाइजोसाइम जो कहाँ प्रेजेंट है सलाइवा में प्रेजेंट है ठीक है तो याद रखिएगा इसका काम क्या है ब्रेकडाउन ऑफ सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया और इफेक्टिवली किलिंग ऑफ बैक्टीरिया इससे होता क्या है ये आपके माउथ के ओरल हाइजीन यानी माउथ का जो हाइजीन होता है ना ओरल हेल्थ जो होता है उसको क्या करता है प्रोटेक्ट करके रखता है या फिर अच्छे से बनाकर रखता है हाँ वेरी गुड यश वेरी गुड कोई इशू नहीं है जो पीछे था अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आंसर दे दीजिएगा लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एयर पोल्यूटेंट इज हाइड्रोकार्बन इनमें से कौन सा एयर पोल्यूटेंट जो है वो हाइड्रोकार्बन है ऑप्शन में आपके क्या है बेटा हाइड्रोजन सल्फाइड बेंजीन और ओजोन और आपका सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 O3 देन बेंजिक बेंजीन क्या है C6H6 राइट देन आपका हाइड्रोजन सल्फाइड है क्या है इनमें से आंसर क्यों नहीं बोलोगे यश क्या हो गया मुझे मधु के भी आंसर चाहिए मुझे विपिन के भी आंसर चाहिए मुझे यश के भी आंसर चाहिए मुझे पम्मी के भी आंसर चाहिए आई वॉन्ट एवरी वन आंसर्स राइट नाउ मैं आंसर नहीं बताऊंगी तब तक है so बेटा ये यहाँ पे कहाँ हाइड्रोजन यहाँ पे कहां पे कार्बन है मैंने आपको ऑप्शंस में आंसर भी बता दिया है हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं क्वेश्चन नंबर क्या होगा फिर से देखिए बिल्कुल अनामिका मैम आपका भी चाहिए मुझे अनामिका मैम बिल्कुल आपका आंसर चाहिए मुझे सबका नाम चाहिए चलिए हम आपको आंसर बताते हैं दैट इज योर बेंजीन क्या है बेटा आंसर बेंजीन बेंजीन क्या है C6H6 है एक बेंजीन की रिंग बनती है आप जानते हैं राइट बेंजीन की रिंग बनती है सो so ये बेंजीन क्या है आपका एक हाइड्रोकार्बन है क्या है इट इज अ हाइड्रोकार्बन क्लियर है आपको तो ये आपको याद रखना है कौन सा आता है यहां पे आंसर हाइड्रोकार्बन कौन सा है अगर पूछता है पॉल्यूटेंस में तो आपका आंसर है बेंजीन। बेंजीन एंड हाइड्रोकार्बन है क्यों क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है उसमें क्या क्या प्रेजेंट है कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है दोनों ही एक साथ ठीक है ये कॉमनली कैसे होते हैं बेटा कॉमनली ये कलरलेस लिक्विड होते हैं पर इनकी खुशबू कैसी होती है स्वीट सी होती है मीठी सी खुशबू आती है इनसे अब इनसे होता क्या है ये प्रोड्यूस करते हैं बहुत सारे आपके केमिकल्स जो आपके प्लास्टिक रबर्स और फार्मास्यूटिकल्स इनमें इस्तेमाल किए जाते हैं अब ये आते कहां से पॉल्यूटेंट कैसे हैं तो ये एग्जॉस्ट जो हो रहे हैं ना आपके फ्यूल्स जल रहे उससे बनते हैं क्लियर सो दिस इज दी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्लियर चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर आपको पूरी क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद बताती हूँ क्योंकि हम एक फ्लो में चल रहे हैं अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपको क्या बोल रहा है फॉर फॉर सेक्रोमाइसिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अब आपको पता है सेक्रोमाइसिस कौन है भाई याद करो सेक्रोमाइसिस की प्रजाति में कौन आते हैं देखो ये एस्कोमाइटो सॉरी माइकोटा का ही क्या है मेंबर है तो ये वाला आंसर तो गलत है क्योंकि इनमें से कौन ऐसा आंसर जो है वो करेक्ट नहीं है ये पूछ रहा है राइट तो दिस इज लाइक दे आर बिलोंग टू माइकोटा फैमिली ठीक अब हम जब सेक्रोमाइसिस की बात करते हैं तो आपको पता होगा हम एक नाम लेते हैं जिसको हम बोलते हैं यीस्ट बेकर्स फ्रेंड बोलते हैं ना बेटा यीस्ट ये यीस्ट भी क्या है इसी की फैमिली को बिलोंग करता है क्या करता है इसी फैमिली को बिलोंग करता है सो so, जब हम यीस्ट की बात करते हैं तो हमको क्या पता है यीस्ट कैसे रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करता है? बडिंग के थ्रू तो ये भी आंसर गलत हो गया यीस्ट क्या करता है फर्मेंटेशन की प्रोसेस करता है सड़ाने की कोशिश करता है ना फर्मेंटेशन uh, की प्रोसेस होती है चावल या कुछ भी चीज आप क्या करते हो जब वो फूल जाता है क्योंकि उसमें फर्मेंटेशन हो रहा है राइट और जब ये फर्मेंटेशन के प्रोसेस हो रहा है यानी उसमें क्या इथाइल अल्कोहल भी बन रहा है तो अल्टीमेटेटली मेरा आंसर क्या है, बचता है बेटा डी बचता है दैट इज इट फॉर्म्स माइकोस्पोर्स क्या बना रहा है भैया माइक्सपोर्स बना रहा है तो हमारा जो सेक्रोमाइसिस यानी यीस्ट की जो फैमिली है वो स्पोर्स फॉर्मेशन यानी माइक माइ करते है, पर बैक्टीरिया है? बनाते हैं कौन बनाता है bacteria, अगर मैं बात करूं तो साइडो बैक्टीरिया की जो प्रजाति है उनमें हमको ये माइग्जो देखने को मिलता है क्लियर है उसी जगह अगर मैं बात करती हूँ किसकी सेक्रोमाइसिस की ठीक है यानी यीस्ट की फैमिली की, की बात करती हूँ तो ये क्या करते हैं बेटा इनमें बडिंग होता है क्या होता है बडिंग होता है पहली चीज याद रखिएगा और अगर ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन की प्रोसेस शो कर भी रहे हैं ठीक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस शो कर भी रहे हैं तो इनमें क्या होता है बेटा एजोस्पोर्स बनते हैं क्या बनते हैं एजोस्पोर्स बनते हैं ठीक है तो आपको याद रखना है आंसर इज योर डी क्लियर लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन यस डी इज राइट आंसर क्वेश्चंस बहुत कम समझ में आ रहे हैं आपको विपिन ठीक है मैं वापस से थोड़ा हिंदी ट्राई करती हूँ ठीक है हिंदी बताने की कोशिश चलती है अब हमारी फिर से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं ईच सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट डेवलप्ड फ्रॉम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंटेन अब आपको पता है कि हमारा जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस हो रही है यानी स्पर्म फॉर्मेशन का जो एक पूरा प्रोसेस हो रहा है ठीक है उसमें क्या होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड से ही क्या होता है आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड बनता है जैसे कि ये क्या है मेरा स्पर्मेटोगोनिया टू एन ये मेरा क्या है मेरा स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल है यानी मदर सेल है मेरा ठीक है नेक्स्ट इसमें क्या हुआ माइटोसिस हुआ फर्स्ट देन अगेन क्या हुआ यहाँ पे माइटोसिस टू हुआ और ये क्या बना बेटा मेरा प्राइमरी स्पर्मेटो साइट बना ठीक अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद क्या होता है ये दो हिस्से में यानी यहाँ पे क्या होता है मियोसिस रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं ना बेटा हम लोग रिडक्शन डिवीजन होता है यानी आपके क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते हैं सीधा आधे हो जाते हैं ठीक है थिके? तो यहां पे क्या हो गया n और n बना और ये मेरा क्या है सेकेंडरी परमेटो साइड ठीक तो अब ये जब मेरा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड ऐसा बन रहा है तो मेरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड में जो मेरा स्पर्मेटोसाइड है यानी वो सेल है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और क्या होता है राइट right? तो इसका आंसर वेरी गुड विपिन वेरी गुड वेरी गुड यस 23 क्रोमोसोम्स तो है राइट right है वेरी गुड मधु दैट इज राइट आंसर बट उसको ना डिवाइड किया है वेरी गुड अब है, पम्मी वेरी गुड आंसर इज योर डी यानी क्या होंगे ट्वेंटी टू आपके क्या है ऑटोसोम्स है ठीक है और क्योंकि मेल में क्या होते हैं क्रोमोजोम्स एक्स और वाई होते हैं इसीलिए ट्वेंटी थ्री या तो एक्स होंगे ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी टू या तो वाई होंगे सो दिस इज योर राइट आंसर ट्वेंटी 2x या 22y क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे ठीक है तो आपको ये चीज याद रखना है जी 22 लॉक 23 23 नहीं होगा बेटा 22 uh, 22x और 22y होगा उसको लॉक कर दिया जाए जी काजल चौधरी दैट इज राइट आंसर सो डी को हमने लॉक कर दिया और डी फाइनलाइज भी हो गया कि दैट इज द राइट आंसर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यूरिंग विथ सब स्टेज ऑफ प्रे प्रो प्रोफेज वन अब हम लोगों ने कल के क्वेश्चन में पढ़ा था कि क्रॉसिंग ओवर यानी रिकॉम्बिनेशन जो इंजाइम है रिकॉम्बिनेज इंजाइम जो है वो कौन से फेज में आता है राइट right? तो हमने ये पढ़ा था प्रोफेज वन में आता है पर आपको पता है प्रोफेज वन भी फर्दर डिवाइड होता है फाइव फेजेस में आपके जिनमें आपके अलग 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 फेज आते हैं क्या क्या फेज आते हैं भाई लिपोटीन जाइकोटीन पैक्टीन डिप्लोटीन राइट इस टाइप के फेजेस आते हैं और इन सभी फेजेस में से मैं लिट्टी चोखा खाई हूँ सर थैंक यू सो मच वेरी गुड मंजीत कुमार यादव ओके अभय अवस्थी देट इज राइट आंसर पैक्टीन ये क्या है आपका राइट आंसर है कौन से फेज में होता है बेटा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पैक्टीन में याद रखिएगा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन चालू कहाँ से होता है पैक्टीन में होता है आपके जो नेक्स्ट uh, है यानी डाइफनोमर है या फिर आपका जो बोलते हैं ना ये वाली फेज में जिसको हम बोलते हैं डायप्लोटीन ठीक है उसमें जो आपका चेजमा आता है तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना चेजमा आपके डिप्लोटीन में आता है पैक्टिन के बाद वाले स्टेज में पर उससे पहले क्रॉसिंग ओवर किसमें पैक्टीन स्टेज में हो जाती है या आप लिखा है यहाँ पे ठीक है चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द प्राइमरी रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ फंग इनमें से कौन से मॉलिक्यूल के फॉर्म में या कौन से कम कंपाउंड के फॉर्म में जो आपका क्या है पंजा है वो अपने खाने को स्टोर करके रखता है डी इज द राइट आंसर काजल चौधरी आई नो यू आर राइट पम्मी दैट इज राइट लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन इनमें से कौन से आ, रूप में पंजा जो है अपने खाद्य पदार्थों को रखता है ूड मटेरियल्स को रखता है नो स्टार्च इज नॉट राइट स्टार्च तो बेटा लीव्स में आ जाएगा बी नहीं है बेटा अभ्यवस्थी बी इज नॉट राइट महक बी इज नॉट राइट थोड़ा और सोचो स्टार्च नहीं है स्टार्च इज नॉट राइट बी नहीं है मधु ए भी नहीं है अमीनो एसिड भी नहीं है वेरी गुड यश किससे है ग्लाइकोजन किसके फॉर्म में रखता है बेटा स्टोर करके ग्लाइकोजन के फॉर्म में किसके फॉर्म में ग्लाइकोजन के फॉर्म में यश गेव मी द राइट आंसर सेल्यूलोर्स उसकी आउटर बॉडी बनाती है स्टार्च और अमीनो एसिड भी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है पर वो क्या करते हैं ये इनट आपकी क्या करती है एनर्जी प्रोवाइड करता है ये क्या करता है जेनेटिक मटेरियल और प्रोटेसिंथेसिस का काम करता है बट जो खाना जो उनका स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है किसके फॉर्म में स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है वेरी गुड मनजीत दैट इज राइट आंसर जरूरी है क्या ह्यूमन में होगा ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस होती है कि नहीं होती है प्लांट्स में भी हाँ देखो ह्यूमंस एनिमल्स हमने पढ़ा है ना इवोल्यूशन थ्योरी से ऑल पीपल्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम सिंगल सेल हम सब एक ही साथ ओरिजिनेट हुए राइट right? तो कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी तो प्रेजेंट होगी ही तो so, ग्लाइकोजन जो है वो अगर ह्यूमन में होता तो है हो क्या सब में होगा ठीक है तो आपको याद रखना है जो है है वो अपना खाना किसके फॉर्म में स्टोर करके रखता है, तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करके रखता है ना कि स्टार्च या अमीनो एसिड क्लियर चलो बहुत रील्स देख के आ रहे हो आप लोग को लग रहा है आज मोए मोए चल रहा है सबका सब मोए मोए कर रहे हैं कब से अभी मैंने क्वेश्चन बोला नहीं काजल के आंसर आ गई मेरे पास चलिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इनमें से कौन सा सेल जो है एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है कल ही हमने ये क्वेश्चन पढ़ा है कि कौन से सेल्स एंटीबॉडी बनाते हैं और उसी क्वेश्चन को घुमा के वापस ला ऐसे रख दिया है कि इनमें से कौन सा सेल जो है वो प्रोडक्शन में हेल्प करता है देखिए मुझे आंसर भी आ गए वेरी गुड अवस्थी दैट इज एब्सोल्युटली राइट अब है अवस्थी बी लिम्फोसाइट दैट इज राइट चांदनी दैट इज राइट बी वेरी गुड काजल बी बी वेरी गुड द राइट आंसर इज योर बी दैट इज बी लिम्फोसाइड इनको हम लोग बी सेल्स भी बोलते हैं इनके अंदर क्या होती है एबिलिटी होती है प्लाज्मोसाइट्स को ट्रांसफॉर्म करने में किसमें क्या बनाने में आपकी एंटीबॉडीज बनाने में इसके अलावा मैं अगर हेल्पर टी सेल्स की बात करूँ तो ये हेल्प करते हैं बी लिम्फोसाइड्स को क्या मदद करके बाकी अदर इम्यून immune... यम्यूनिटी वाले सेल्स को क्या करके अवेक करके या एक्टिवेट करके वो क्या करते डायरेक्टली आपके एंटीबॉडीज़ नहीं बनाते नेक्स्ट बात करती हूँ सप्रेसर टी सेल्स के तो इसको तो काम ही नहीं है इसका काम बाद में आता है फिर आपके ये मोनोसाइट्स क्या होते हैं ये एक तरह के आपके डब्ल्यू होते हैं ये क्या करते हैं आपके एंटीबॉडीज सिक्रीट नहीं करते क्लियर है चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कोलेस्ट्रॉल इज यूजली सिंथेसिड इन बहुत छोटा अच्छा अच्छा क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन है मेरा नाम नहीं लिया लिया तो मधु काजल काजल खुशवाहन काजल चौधरी दोनों ही मेरे साइड हो आई नो जी आपका आंसर सही है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए इनमें से कौन सा जो ऑर्गन है ठीक है वो आपके कोलेस्ट्रॉल को सिंथेसिस करता है हम सब ये जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल जो है एक सेल्स में सिंथेसिस होता है और एक हम खाने के फॉर्म में फूड के फॉर्म में अंदर लेते हैं लाइक वी टेक इट इन द फॉर्म ऑफ़ फूड वेरी गुड अवस्थी दैट इज राइट जी जी मधु मधु टेल मी आंसर क्या हो गया भाई तुम लोगों को आज आंसर क्या है लीवर आंसर क्या है बेटा लीवर याद रखेगा कोलेस्ट्रॉल जो है ये सिंथेसिस होता है सेल्स में कहाँ के लीवर के सेल्स में और इसके अलावा हम खाने के फॉर्म में भी लाइक कोलेस्ट्रॉल को क्या करते हैं इनटेक करते हैं यानी उनको हम लोग खाते हैं क्लियर लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉलोइंग एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ ओवरी इनमें से कौन सा जो काम है वो मोस्टली क्या करती, endocrine करती है एंडोक्राइन करती हैं बट यहाँ पे ओवरी भी कर रही है नॉर्मल वे पे एकदम ईजी सजेशन देती हूँ सी बापरे किसका आंसर है सी किस का आंसर है आप किसका दे रहे हैं आंसर मुझे हेपैटिक सेल्स इन लीवर वो तो हो गया बेटा लीवर हो गया अभी क्वेश्चन चेंज हो गया बताइए वेरी गुड राइट आंसर इज इनमें से कौन सा काम जो है वो आपके देखो आपको पता है कि एंड्राइनग्लैंड क्या करती है हार्मोन सिक्रीशन का काम करती है पर हम लोगों ने जब सॉरी ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था उसमें हमने क्या देखा था जैसे ही आपका ओव निकलता है वैसे ही क्या होते हैं आपका जो फॉलिकल है वो ग्रेफेन फॉलिकल से किसमें बन जाता है आपके किसमें बन जाता है क्या हो जाता है वेरी गुड देखिए राइट आंसर तो है अवस्थी दैट इज राइट ऋतिक दैट इज राइट रीना साहू वेरी गुड अब है राइट या नामिका दैट इज राइट हाँ बोलिए मंजीत कुमार यादव सर काजल दैट इज राइट पम्मी राइट right है चांदनी राइट right है वेरी गुड कॉर्पस ल्यूटियम हम वही बता रहे थे ठीक है देखिए हमने क्या बताया जो ग्रेफन फॉलिकल्स है वो क्या करती है जैसे ही ओवम निकलती है वो किसमें बन जाती है आपके कॉर्पस ल्यूटियम में यानी ल्यूटियम सेल में कन्वर्ट हो जाती है फॉलिकल ठीक है जिसके कारण वो क्या करती है उसके बाद स्टार्ट करती है आपके हार्मोन से करना फीमेल हार्मोन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन ठीक है ये दोनों ही क्या करती है मदद करती है आपकी जो इनर लाइनिंग होती है वेजाइना के अंदर यूट्रस की इनर लाइनिंग उनको इंटेक्ट रखती है ठीक है कब तक के लिए तब तक जब तक, तक जायकॉट नहीं आता पर जैसे ही टाइम खत्म होता है फिर वो क्या हो जाती है ब्रेक डाउन होकर के इन द फॉर्म ऑफ मैंशन निकल जाती है क्लियर है सो द राइट आंसर यूज योर सिक्रिएशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन क्लियर <laughs> आज तुम लोग सब लोग भांग वांग पी, पी क्या है क्या? आई फील लाइक यू भांग। देखो पीना इलीगल है ना तुम लोग सब अंडर है जो अभी भांग वांग पी के मत आया करो क्लास में चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ठीक है और कल का होमवर्क जो है उसके क्वेश्चन अभी मैं लेकर आई हूँ अभी बचा हुआ है ना क्लास क्वेश्चन पूछना है आप लोगों से सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हार्मोन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय कौन बनाता है आपको याद होगा जब हम लोग क्या कर रहे थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे उसमें हमने पढ़ा था क्या टेस्टिस टेस्टिस के अंदर क्या होते हैं सेमनीफ्यूरियस ट्यूब्यूल होती है राइट सेमनी फ्यूरियस ट्यूब्यूल के अंदर क्या होती है मेल जम सेल होती है सर्टोली सेल होती है पर ऊपर में क्या होता है इंटेस्टिशियल रीजन में आपके लेडिक सेल क्या होते हैं लेडिक सेल और यही लेडिक सेल क्या करती है बेटा आपके एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन में काम करती है क्या करती है एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन में काम करती है ओके गुड इवनिंग गुड इवनिंग वेरी गुड लेडिकॉरी अभय अवस्थी दैट इज राइट रुते काजल नामिका अभय मधु काजल मधु उर्फ काजल काजल चौधरी यश चांदी दैट इज एब्सोल्यूटली रईट रीना दैट इज राइट

कि जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं क्या करते हैं हम जब क्लासिफिकेशन करते हैं यानी सिस्टमैटिक वे पे हम किसी को अरेंज करते हैं तो लोवेस्ट कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है क्या है मेरा क्वेश्चन लोवेस्ट कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन कौन सा है भाई कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है बताइए पढ़ के आने बोला था मैंने ऑलरेडी बस करो भाई एक बार बोला है हमने भांग वेरी गुड अवस्थी सर दैट इज राइट क्या है स्पीशीज क्या है स्पीशीज जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं तो हम क्या करते हैं उनको हम उनको इन सीक्वेंस में क्या करते हैं क्लासीफाई करते हैं पहले उनको किडनम में डालते हैं ठीक फिर फाइलम फिर क्लास फिर ऑर्डर फिर फैमिली देन क्या आता है जीनस देन आता है आपका स्पीशीज सो स्पीशीज क्या है बेटा आपका लोवेस्ट कैटेगरी है क्लासिफिकेशन की ठीक है चलिए सेकेंड क्वेश्चन मेरा है ज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी टेक्सोनॉमी का फादर कौन है हु इज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी काजल राइट राइट मेहक राइट इज राइट अच्छा यश इज ऑलवेज राइट ओके चलिए बताइए हु इज नॉन एज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है बताइए वेरी गुड रिथिक दैट इज राइट अवस्थी नाइस ट्राई देखिए कौन है कार लिनियस हम लोग क्या बोलते हैं कार लिनियस ओके कार लीनियस ये कौन है फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहलाते हैं ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन फुल फॉर्म ऑफ आई सी बी आई सी बी एन का फुल फॉर्म क्या है वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसीबीएन वट इज द फुल फ ऑफ आईसीबी एन वॉट इज द फुलॉर्म ऑफ आई सी बी एन बताइए पढ़ के आने बोला है ना मैंने चलिए दो और लिख देती हूँ आई सी बी एन हो गया आई सी बी एन कर देते हैं आई सी बी एन और एक क्या था आई सी एन बी चलिए इनका फुल फॉर्म बताइए मुझे वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ आई सी बी एन आईसीवी ICNB, आईसीएनबी सी ए आर एल ए बेटा नॉट कार वाला कार ओके ठीक है इसको आप कैरलियस लूनियस भी बोलते हो अलग अलग रहता है ठीक ऋतिक इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमन क्लेचर दैट इज वेरी राइट इसका आंसर एकदम सही है इसका नाम क्या है इंटरनेशनल इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमन क्लेचर नेक्स्ट आईसी वी एन का जी वेरी गुड ऋतिक वेरी गुड मधु वेरी गुड यश यश इंटर नो 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 दैट इज नॉट राइट यश दैट इज नॉट राइट मैंने कौन से कौन से क्वेश्चन का बोला है बेटा मैं लाइक मैंने चैप्टर आपको क्या बोला था द लिविंग वर्ल्ड एंड ए डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिजम से पढ़ने बोला था ठीक है तो दैट इज नॉट राइट मधु एंड ऋतिक आर राइट नो इंडियन सेंटर ऑफ बायोलॉजिकल माइक्रोस्कोपी भी नहीं है बेटा आई का क्या है इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नॉमन यानी वायरस से रिलेटेड है क्या है इज इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नॉमन क्लेचर ठीक है यह क्या है इंटरनेशनल कोड ऑफ इट इज इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटानिकल नॉमन क्लेचर नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ आईसीएनबी आईसीएनबी क्या है आईसीएन भी क्या है इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी क्या है ये इंस्टीट्यूट ऑफ क्या है बेटा लास्ट वाला आईसीएन भी क्या है इंडियन सॉरी इंस्टीट्यूट ऑफ नेचर कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूं आज के दिन का दैट इज ओके टू नेम सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिज्म इज जो हम बोलते हैं ना टू नेम सिस्टम क्या टू नेम सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिज्म इज हम लोग दो नाम देते हैं ना बेटा ऑर्गेनिज्म को आपने सुना हुआ है जिसमें टेक्सोनॉमी में हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन के बाद उसे क्या बोलते हैं हम ओके इंस्टीट्यूट ऑफ सेलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी चलिए ठीक है यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा आपको याद रखना है इसको हम बोलते हैं बाय नॉमियल क्लेचर क्या बोलते हैं हम बाय नॉमियल क्लेचर क्लियर सो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है आई होप आप लोगों को मैंने जो होमवर्क दिया था आप लोग स्टडी किए होते तो पूरे आंसर मुझे मिलते हैं बट येस फॉर द नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ के आना है जो हम ऑलरेडी पढ़े हुए हैं दैट इज योर रिप्रोडक्शन सेक्शुअल रिपोर्डक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स आपके पी वाई के सेशन में मैं फिर से आपको चार पांच क्वेश्चन पूछने वाली हूं कहाँ के सेक्सुअल रिपोर्डक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वेरी गुड यश वेरी गुड लेट्स गो अहेड दन बाय बाय ए नाइस डे टेक केयर ऑफ योर सेल्फ सी यू इन द डाउट क्लास